नमस्कार, इंडिया पावर न्यूज जुर्म का पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र रावत और इस वक्त की खबर आ रही है बाबा धाम से, जहां हमारे संवाददाता विजय प्रताप शर्मा मौजूद हैं। बताते चलें कि झारखंड में स्थित बाबा धाम मंदिर प्राचीन काल से फेमस माना जाता है, जैसा कि हर श्रावण मास में वहां कई लाख की संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं और वहां मंदिर में दर्शन करने के बाद ही घर को लौटते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता भी बाबा धाम पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जब वहां पूछताछ किया तो पता चला कि भाजपा की सरकार में अब तक का पहला यह अवसर है जहां हर सुविधाओं को लैस किया गया है। यहां तक कि जो भी श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं, उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए और दवा इत्यादि सारी सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। इस समय विजय प्रताप शर्मा का कहना है कि यहां जो व्यवस्थाएं की गई हैं वह शायद ही कभी हुआ हो। जबकि उन्होंने पता किया तो पता चला कि अब तक की सरकारों में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरह की सुविधाओं से पूरा बाबा धाम लैस किया गया है। वहां झारखंड में सारे सुविधाओं को पूरा किया गया है, श्रद्धालुओं का अच्छा ख्याल रखा गया है। भाजपा सरकार की एक अद्भुत माना जाए तो एक इस तरह से अद्भुत मतलब सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है, जो पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था, जो पहले ऐसा हुआ भी नहीं था। इस तरह की सुविधाओं से लैस किया गया है बाबा धाम का मंदिर, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वहां की पल पल की खबरों से हमारे संवाददाता विजय प्रताप शर्मा जी जुड़े हुए हैं और पल पल हमें अवगत करा रहे हैं कि बाबा धाम में इस समय क्या कंडीशन है, वहाँ भक्तगण क्या कर रहे हैं। इस तरह की सारी जानकारियों से विजय प्रताप शर्मा जी हमें पल पल अवगत करा रहे हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि सारी व्यवस्थाओं से झारखंड लैस है। इस समय भाजपा सरकार की पहली मतलब सुविधा है, पहली बार इस तरह से भक्तगणों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जो ऐसा पहली बार हुआ है। हम बात करना चाहेंगे झारखंड के बाबा धाम मंदिर का। आप वीडियो फुटेज को देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु कैसे विश्राम कर रहे हैं। यहाँ जो है खाने पीने की सारी सुविधाओं को पूरा किया गया है, ध्यान में रखा गया है। दवा इत्यादि के बारे में भी ध्यान दिया गया है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ डॉक्टर भी मौजूद है। आइए दिखाते हैं हमें।